हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कोमल गुडन का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। और गाइज, मुझे ये उनका लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने उनका ये मेकअप लुक आज क्रिएट किया है। और आई रियली होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। और गाइज, यहाँ पर मैंने जस्ट एक छोटी सी कोशिश की है, और बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर है मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कोमल, बहुत ही क्यूट गर्ल है यार, और मुझे उनकी सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मैंने आज उनका ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है। तो आई रियली होप कि आपको पसंद आएगी। और गाइज, जितने भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स का इसमें यूज़ किया है, ये सिर्फ अंडर 500 रुपीज़ के प्राइस में मुझे मिल गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। और आप किसी ब्रांड की एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं प्राइमर के लिए, बहुत ही अच्छा काम करती है ये भी प्राइमर की तरह। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। और गाइस, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो पे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, टैप टैप करते हुए इसे अच्छे से सेट कर लूँगी मैं अपने फाउंडेशन को। और अब मैं लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहां पर लगा रही हूं कंसीलर, इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पॉप फिल के आई शेडो पैलेट से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी मैं अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट से ये ट्रांजिशन कलर अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज, इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से ये शिमर शेड ले रही हूँ, ये गोल्डन कलर का शेड है, और अपनी फिंगर की हेल्प से मैं इसे अपनी हाफ आईलिड पर लगा लूँगी और इसे एक उसी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ब्लू हेवन का आईलाइनर। और गाइस, बहुत अच्छा आईलाइनर है, क्योंकि जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ ना, तो एक हल्की सी चमक रह जाती है आपके आईलाइनर में, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इस आईलाइनर को परचेज कर लीजिए एक बार, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का ही काजल लगा लूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पर, और मैं इसे सिर्फ हाफ लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ, पूरे में नहीं लगाना है आपने इसे। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मेबेलिन का मस्कारा। और यहाँ पर मैंने भी मस्कारा के गाइज 1 से 2 कोट ही अप्लाई किए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्लम्बी दिखती हैं आपकी आईज़, क्योंकि ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने फेस को कॉन्टोर इसी ब्राउन कलर के शेड से जैकलिन हिल पैलेट से। और अब मैं अपनी नोज को भी कॉन्टोर कर लूँगी एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अब मैं हुडा ब्यूटी पैलेट से ये पिंक कलर का शेड ले रही हूँ और ब्लश लगा लूँगी मैं। ये काफ़ी अच्छा गाइस पिंक कलर है और बहुत ही नेचुरल सा पिंक शेड है, बहुत अच्छा दिखता है आपके चीक्स पर, इसीलिए मैंने इसे अप्लाई किया है। और अब मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। और सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रोडक्ट्स सिर्फ 500 रुपीस के प्राइस में मुझे मिल गए थे, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ किस ब्यूटी की फूशा पिंक लिपस्टिक, और इन लिपस्टिक का रिव्यू भी गाइज मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, बहुत पसंद किया आपने उस वीडियो को, आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे, और अब मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपनी बिंदी भी लगा ली है और इयररिंग्स भी पहन ली हैं। और गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो।
और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपका कमेंट और आपका लाइक। तो गाइज मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।